हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फोटो एडिटर ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपको इसका ऐप का डेमो दिखा देते हैं। तो इस ऐप को मैंने अपने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में रन कराया और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो डेमो है, यहाँ से इसका डेमो आपको दिखा देते हैं। तो इसका APK आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे दिख रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जस्ट इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले यहाँ पे आपको अलाउ परमिशन करना होगा। करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ऐड है ऐड शो होके आएगा। नीचे बैनर ऐड है, यहाँ पे बैनर ऐड शो होके आएगा। तो सारे यहाँ पे जो चेंजिंग है वो सारी चेंजिंग हम आपको करके बताएंगे। बाकी सारे जो इसमें फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो इसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सब कैसे करना है वो सब हम आपको वीडियो में ही बताएंगे। तो पहले आपको जस्ट यहाँ पे डेमो दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी के अंदर जितने भी फ़ोटो रहेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। जस्ट लाइक मैंने इस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जस्ट इसे हम क्रॉप करके दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे नीचे हैं। तो नीचे जो इसका कलर है और यहाँ पे ब्राइटनेस सब यहाँ से चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक ये स्टिकर है, इस स्टिकर को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो एक्स्ट्रा और स्टिकर आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे से यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं। इस ऐप को हम क्रिएट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो करने के बाद यहाँ पे हम सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे यहाँ पे फोटो एडिटर ऐप में। इसके बाद अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पे है, तो सारे फॉन्ट भी अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो साइज है, साइज भी आप ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ब्राइटनेस दी गई है, सारे ब्राइटनेस आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद जो यहाँ पे जो हमने जो पिक था, जो फोटो था, वो यहाँ पे गैलरी फाइल में सेव हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप इस ऐप को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी में भी जो चेंजिंग करना है, कैसे चेंजिंग करना है और कैसे ऐड लगाना है, बाकी जितने भी सारे चेंजिंग है वो सब करके हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरा से कोई भी इमेज यहाँ पे आपको ले लेना है। और इस तरह से जो है कैमरा से भी कोई भी इमेज डायरेक्ट यहाँ पे इमेज एडिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस ऐप को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लिया है। करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है। तो पहले आपको इसका सोर्स कोड यहाँ पे मिल जाएगा, तो सोर्स कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओके। जैसे ही आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल डायरेक्टली। ठीक है, तो फाइल डायरेक्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने प्रोजेक्ट को रखा हुआ है उसको यहाँ पर ले लेना है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, तो यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप जब डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग करने में अगर सोर्स को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जो टैम्पलेट है इस पर टैम्पलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद जो यहाँ पे है सोर्स कोड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नेट को ऑन कर देना है। नेट को ऑन करने के बाद जितनी भी यहाँ पे सारी फाइल्स है वो सारी फाइल्स यहाँ पे नेट की स्पीड से यहाँ पे सिंक्रोनाइज होता है। कुछ डिपेंडेंसी होती है वो सब ऐड करता है और कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है तो सारी प्लगइन्स अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर ऐड कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कुछ सेकेंड का यहाँ पर टाइम लगता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। उसके बाद से जो प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो
मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है वो 4.0.1 है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा और जितनी सारी फाइल्स है वो सारी फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे build.apk में आते हैं और यहाँ पे जस्ट जो इसका SDK वर्जन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 28 है तो सब कर देते हैं 30, यहाँ पे 30 कर देंगे। और जो मिनिमम SDK वर्जन है वो यहाँ पे 19 है, तो उसे हमें कुछ नहीं करना है, उसे जस्ट एज इट इज रहने देना है, बस जो यहाँ पे 30 कर देना है। और करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्क्रीन यहाँ पे है, तो उस डिपेंडेंसी को आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सप्रेस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जितने भी रेडिस होंगे वो सब यहाँ पे रेड हट जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और इसके बाद से सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे नेट को ऑन करके, तो मेरे में एक पॉपअप विंडो शो होके आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके में एंड्रॉयड स्टूडियो में पॉपअप विंडो शो होके नहीं आएगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद आपको इस तरह से कर लेना है और बाकी सारे जो चेंजिंग है वो करके हम आपको बताएंगे। इसके बाद इसका जो पैकेज का नेम भी यहाँ पे आपको चेंज करके बताएंगे, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि पैकेज का नेम कैसे चेंज करते हैं, और इस वीडियो में भी हम आपको बता देंगे पैकेज का नेम कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जावा फाइल में जाते हैं और यहाँ पे मेन एक्टिविटी जितनी भी सारी फाइल्स हैं सारी फाइल्स को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ओपन करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। और यहाँ पे भी इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। करने के बाद जब भी आप प्रोजेक्ट को यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करने के बाद इसको हम रन करा के एक बार चेक कर लेंगे कि प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ से प्रॉपर रन करा के आपको देख लेना है। तो मैंने यहाँ पे रन करा दिया है और कुछ सेकेंड के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी नीचे सिंक्रोनाइज हो रहा है। बाकी सारी जो फाइल है वो सारी फाइल हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एसेट फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कुछ और चेंजिंग करना है तो आप यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट भी कर सकते हैं। तो कैसे जनरेट करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी किसी भी ऐप के लिए, उसका लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने ऐड लगाया हुआ है, तो इस ऐड को कैसे चेंज करना है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बाकी जो चेंजिंग है वो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो लेआउट फाइल में दो फाइल्स हैं, XML की फाइल, ये फाइल यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके डिजाइनिंग पार्ट को भी यहाँ पे साथ साथ देखते रहते हैं। और जो यहाँ पे ऊपर कलर है, तो कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करके भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर आइकन दिया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी के लिए और शेयर के लिए, तो आप वहाँ से आइकन भी चेंज कर सकते हैं। और जो आइकन वहाँ पे दिया गया है वो आइकन भी यहाँ पे रहने देंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं जो इसका ऐप का नेम है, तो फोटो एडिटर मैंने इसका ऐप का नेम लिखा हुआ है, तो कोई भी नेम आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऊपर दे सकते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे रन हो गया, इमुलेटर यहाँ से ऑन हो गया है और बाकी सारी जो फाइल्स हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी फाइल को देख लेना है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ से प्रॉपर आपको सिंक्रोनाइज हो जाने देना है, बीच में आपको कुछ भी कट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बीच में भी कहीं भी कट किया तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एरर आ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप इसको सिंक्रोनाइज करें तो आपको अपने नेट को ऑन करना है और प्रॉपर आपको नेट को ऑन रखना है, बीच में आपको कट नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे जो आइकन है, आइकन को अगर चेंज करना चाहते हैं ऐप का आइकन, तो यहाँ पे ड्रावर फोल्डर के अंदर आप आइकन के नेम से भी मैंने नेम दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड है, मीप मैप में जाएंगे, यहाँ पे किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज एसेट पे क्लिक कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन होकर आता है, यहाँ पे इस पे फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे और कहीं से भी जहाँ पे भी आपने लोगो रखा हुआ है वहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगो चेंज कर लेंगे और इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो मेरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं रन हो गया है। और रन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अलाउ परमिशन कर देते हैं पहले। तो प्ले स्टोर पब्लिश करने से पहले आपको जो है यहाँ पे इसका पैकेज का नेम चेंज करना होता है और यहाँ पे जो
लिखा हुआ है यहाँ पे एडमोव का ऐड, तो एडमोव का ऐड आपको अपने एडमोव के ऐड को लगाना होता है, तो सारी चेंजिंग आपको करना होगा, तो वो सब कुछ हम करके आपको बताएंगे। और यहाँ पे ड्रॉबल फोल्डर के अंदर जो यहाँ पे जो कलर्स हैं, बटन का जो कलर दिया गया है वो कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल में जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डिजिट का, उसके अकॉर्डिंग आप जो कलर है यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। और यहाँ पे जो इमुलेटर होता है, इमुलेटर में प्रॉपर जो है एंड्रॉयड यहाँ पे इंटरनेट रन नहीं कर पाता है, इस वजह से जो यहाँ पे एड्स रहते हैं एड्स प्रॉपर शो नहीं हो पाता है, जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था। तो डेमो मैंने जब दिखाया था तो उसमें सब ऐड अच्छे से शो हो रहे थे, क्योंकि वो नेट की स्पीड से कोई भी ऐड होता है वो शो होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कैमरा का और गैलरी का। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्राइवेसी पॉलिसी बता दिया कि कैसे करना है। यहाँ पे बैक करेंगे, और बैक करने के बाद यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा और गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने जस्ट इस पर कैमरा पर क्लिक किया तो ऐसे कैमरा ओपन हो जाता है, कैमरा से कोई भी इमेज आप कैप्चर करेंगे और उसके बाद वहाँ पर एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप वहाँ से एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद से जब सब कुछ एडिट कर लेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे तो इसे सेव हो जाएगा और आपकी गैलरी फाइल में आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं एडिट करने के लिए, कैमरा से और गैलरी फाइल से भी आप कर सकते हैं। तो गैलरी फाइल से आपको गैलरी फाइल में जाना है और गैलरी में जो भी इमेजेस होगा वो इमेज आपको चूज करना होगा। चूज करने के बाद जैसे आपको वर्क किया जाता है वो आपको जस्ट सिंपली वर्क करना है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रन हो रहा है और आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में प्रॉपर रन हो जाएगा, तो इसको आप प्ले स्टोर पब्लिश भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर पहले चेक कर लेना होगा। तो अभी हम इसे कट कर देते हैं, और करने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फाइल में आएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। और यहाँ पे भी ऐड जो लगा हुआ है उस ऐड को यहाँ पे हम रीड कर लेंगे। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे ऐड मैंने लगाया हुआ है बैनर ऐड, और उसके बाद एक इंटरशियल ऐड लगाया हुआ है। तो ऐड को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले हम उसे देख लेते हैं। आपको यहाँ पे इसको जो यहाँ पे है पैकेज का नेम चेंज करने के लिए आप पैकेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे जो है कोई भी नेम देना चाहते हैं पैकेज का नेम, राइट क्लिक करेंगे रिफ्लेक्टर और रीनेम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पैकेज का नेम चेंज हो जाता है। लास्ट में आता है डू रिफ्लेक्टर, तो आप डू रिफ्लेक्टर पे भी क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो पैकेज का नेम है चेंज हो जाएगा। पैकेज का नेम अगर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो एक छोटा सा वीडियो है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से पैकेज का नेम भी चेंज कर सकते हैं, अगर इस वीडियो में आपको समझ में ना आया हो कि पैकेज का नेम कैसे चेंज करते हैं। तो पैकेज का नेम चेंज होने के बाद आपको बिल्ड एपीके में आएंगे, और यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन आईडी के बाद कॉम डॉट जो भी पैकेज का नेम चेंज किया मैंने ड्यूट किया है तो यहाँ पे कॉम डॉट ड्यूट यहाँ पे लिख देना होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं होता और यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। ठीक है, बिल्ड और ग्रेडल में आएंगे और यहाँ पे भी आपको चेंज कर देंगे, तो इस तरह से सारे जो पैकेज का नेम होगा वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये तरह पैकेज का नेम और सब कुछ मैंने आपको चेंज करके बता दिया, बस आपको एक चीज़ इसमें रह गया कि एडमोव का ऐड लगाना। तो एडमोव का ऐड लगाने के लिए अब आप यहाँ से देख लीजिए एडमोव का ऐड कैसे लगाते हैं। तो पैकेज का नेम चेंज करने के बाद आपको एक बार प्रोजेक्ट को रन करा के देख लेना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है एडमोव फर्स्ट वाले लिंक, इसका ऑफिशियल लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, किसी भी अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपने साइनअप नहीं किया है तो पहले आपको साइनअप कर लेना है, उसके बाद से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है अपने ईमेल आईडी से।
लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे इस पर ओपन हो जाएगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है ऐड मूव का। यहाँ पे ऐप ऐड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऐड ऐप। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका अगर ऐप पब्लिश है प्ले स्टोर पे, तो मेरा अभी ऐप पब्लिश नहीं है इसलिए नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो भी ऐप का नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का नेम दे देंगे, लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया फोटो एडिटर। और मेरा एंड्रॉयड का ऐप है, एंड्रॉयड के ऐप पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट ऐड यूनिट। तो अभी मैं हमें जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐड यहाँ पे दिए गए हैं, इतने सारे टाइप के ऐड होते हैं। यहाँ पे बैनर ऐड अभी क्रिएट करना है, बैनर पे क्लिक कर देंगे और कोई भी यहाँ पे नेम दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो ऐप का आईडी है, तो ऐप की आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे ऐड की आईडी क्रिएट हो जाती है। तो इन दोनों को यहाँ पे अपने नोटपैड पे कॉपी कर लेना है। ये रही ऐड की आईडी, इस आईडी को कॉपी करेंगे और अपने नोटपैड पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारी ऐड की आईडी है और जो ऊपर वाला है वो ऐप की आईडी है। तो ऐप की आईडी सेम ही रहती है, जितने भी आप एक ऐप के अंदर जितने भी आप ऐड क्रिएट करना चाहें तो सबकी जो ऐप की आईडी होती है वो सेम ही रहता है, बस आप जो ऐड की आईडी होती है, ऐड की आईडी ही बस चेंज होता है। तो हमें एक और ऐड क्रिएट करना है, इंटरशियल ऐड। इंटरशियल ऐड पे भी क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भी ऐड टू मैंने नेम दे दिया, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऐप की आईडी है इसे भी हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐप की आईडी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक ही ऐप के अंदर कितना भी आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं, उस सबकी जो ऐप की आईडी होती है वो सेम ही होती है। और जो ऐड की आईडी है, यहाँ पे ऐड की आईडी मैंने ए वाला इंटरशियल आईडी है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। फिर इसको हम जस्ट रिमूव कर देते हैं क्योंकि दोनों की ऐप की आईडी सेम ही होती है। तो ऊपर जो है बैनर आईडी और नीचे जो है इंटरशियल आईडी, इसमें बस इतना ही काम रहता है। इसके बाद आप देखना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया जाता है इस पर, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमें यहाँ से ओपन हो जाता है गेट स्टार्टेड वाला। और यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको दिए जाएंगे, ये सारे स्टेप्स अगर आपको नहीं आता है तो सारे स्टेप आप यहाँ रीड कर करके सब कुछ यहाँ पे रीड करेंगे, उसके बाद से आप ऐड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल सब कुछ दी गई है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस मेनली जो रहता है ऐप की आईडी और ऐड की आईडी बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बाद से जो ऐप की आईडी है यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको मैनिफेस्ट वाली फाइल में आएंगे, लास्ट में आएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ऐप की आईडी जो है यहाँ पे पेस्ट करना होगा, बाकी सब कुछ इसमें किया गया है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जावा वाली फाइल में आएंगे, मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ऐप की आईडी जो मैंने अभी कॉपी किया था, ऐप की आईडी यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे पहला वाला जो है। तो इसे दिस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है जो मैंने कॉपी किया था ऐप की आईडी, उस ऐप की आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बाकी जो इधर का इसे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से ऐप की आईडी आपसे पेस्ट हो गए। इसके बाद से नीचे आपको मिल जाएगा इंटरशियल ऐड, तो इंटरशियल ऐड की जो यहाँ पे ऐड की आईडी है वो यहाँ पे देना होगा, इसे रिमूव करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और यहाँ पे आईडी पेस्ट कर देंगे, वहाँ पे लिखा रहेगा आपको कि ऐप की आईडी पेस्ट करना है कि ऐड की आईडी पेस्ट वहाँ पे आपको पेस्ट करना है, वो सब आपको यहाँ से प्रॉपर यहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर थर्ड वाले में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी, तो प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। इसके बाद यहाँ पे लेआउट वाली फाइल में आएंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं एक ऐड है, बैनर ऐड। तो यहाँ पे बैनर ऐड यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे बैनर ऐड जो है यहाँ पे नीचे वाला इसे कॉपी कर लेंगे और इस आईडी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसे हम ऐसे रहने देंगे। इतना प्रोसेस हो गया, इसके बाद से आपको नीचे आना है वैल्यूज वाली फाइल में। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज फाइल में आएंगे और यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैनर आईडी और इंटर्शियल आईडी। तो इसे आपके बैनर आईडी आपको यहाँ पे पहले दे देना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे बैनर एड आईडी और इसे पेस्ट कर देंगे। दे रही बैनर की आईडी इसे पेस्ट कर देंगे जस्ट। और इसके बाद से नीचे है फुल ऐड आईडी, तो फुल ऐड आईडी जस्ट उसका जो इंटर्शियल आईडी था वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तीन सर इंटर्शियल यहाँ पे ऐड आईडी वाली थी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे है एडमो का ऐप आईडी जो हमारी एप्लीकेशन की आईडी है, यहाँ से एप्लीकेशन की आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद जब भी आप किसी को शेयर करेंगे ऐप को तो यहाँ पे शेयर मैसेज का यहाँ पे कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसके साथ तो यहाँ पे मैसेज यहाँ पे और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चेंजिंग, सारी चेंजिंग मैंने आपको करके बता दिया। इस तरह से अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसका जो है तो यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं इसके पैकेज का नेम। बाकी सारी जो चेंजिंग है वो सारी चेंजिंग मैंने आपको बता दिया करके। तो जब भी आप पैकेज का नेम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद आपको बिल्ड एपीके में आ जाना है, बिल्ड ग्रेडर में। और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद कॉम डॉट जिसमें जो भी नेम आप चेंज करेंगे वो नेम आपको यहाँ पर एडिट कर देना होता है। जो मैंने सारे ऐप में मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आपको चेंज करना होता है ऐप यहाँ पे पैकेज का नेम, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सारी जो चेंजिंग है आपको यहाँ से प्रॉपर कर लेना है। और इसके बाद इस ऐप को हम जस्ट रन करा के आप देखेंगे। तो इस ऐप को मैंने यहाँ से रन करा दिया और करने के बाद आपको यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन का जो है यहाँ पर बिल्ड एपीके जनरेट करा के आप देखना चाहते हैं कि कैसा शो हो रहा है तो आप इसे अपने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में भी रन करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बिल्ड एपीके जनरेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है प्रॉपर वर्क कर रहा है और सारी चेंजिंग करने के बाद जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से इस एप्लीकेशन को आप प्रॉपर तरीके से आप क्रिएट कर लेंगे और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एपीके जनरेट करना चाहते हैं तो बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड एपीके जनरेट कर देंगे। इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रन करा के भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस ऐप को आप क्रिएट कर लेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। वीडियो यूजफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।